साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। पलवल खेतों में काम कर घर लौट रहे 57 वर्षीय किसान को पागल कुत्ते ने मुंह पर काट लिया। घायल अवस्था में किसान को उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में रेबीज का टीका उपलब्ध नहीं हो पाया और परिजनों ने बाहर से खरीद कर टीका लगवाया। पीड़ित ने अच्छे उपचार के लिए अपने भाई को निजी हॉस्पिटल में दाखिल कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर पहुंची सदर थाना पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर धारा 174 की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के बाद शव उसके परिजनों के हवाले कर दिया। ये दिनांक 26 तारीख को 26 मार्च को अपने खेतों पर काम कर रहा था मृतक प्रहलाद सिंह, तो वहाँ एक पागल कुत्ते ने काट लिया। इसके परिवार वालों ने इलाज भी कराया था, लेकिन आज इसके दौरान इलाज मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि यहाँ GH में इनको इंजेक्शन ना नहीं मिला था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले अपेक्स में लाए थे, उसके बाद ये यहाँ लाए थे, तो डॉक्टरों ने चेक किया, उसके बाद इसमें मृत्यु घोषित कर दिया। क्या कार्रवाई करेंगे? इसमें कार्रवाई 174 की हो रही है और इसके बेटे की दरखास्त पर जो रोहतास नाम है, दरखास्त पर कार्रवाई। गांव मीरापुर निवासी राजेंद्र तेवतिया ने बताया कि उसका 57 वर्षीय भाई प्रहलाद खेती बाड़ी का कार्य करता था। 26 मार्च को प्रहलाद घर से खेतों पर काम करने गया था। काम करके प्रहलाद जब वापस घर लौट रहा था, तो रास्ते में उसे पागल कुत्ते ने मुंह पर काट लिया। पीड़ित अपने भाई को उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल लेकर आया, जहां चिकित्सकों ने कहा कि यहां रेबीज के टीके खत्म हैं, आप बाहर से लाइए। इस दौरान प्रहलाद की तबीयत बिगड़ती गई। आनन फानन में पीड़ित ने बाहर अधिक रुपए खर्च करके रेबीज का टीका खरीदा और अपने भाई को लगवाया। इसी दौरान पीड़ित ने अपने भाई को अच्छे उपचार के लिए निजी हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। 19 अप्रैल की रात करीब 9:30 बजे प्रहलाद की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। भाई खेतों पर काम कर रहा था, पानी लगा रहा था, और पागल कुत्ता आया, पागल कुत्ते ने काट लिया मुंह पे। उसके बाद आप इलाज के लिए कहाँ लेके गए, किस तरह से इलाज हुआ उनका? सिविल हॉस्पिटल पलवल जो है हमारा हॉस्पिटल, उसमें हम इलाज के लिए लेके आए। वहाँ पे डॉक्टर ने बोला रेबीज का इंजेक्शन आता है, हमारे पास है नहीं, और आप बाहर से इंजेक्शन ले आओ। हमने बाहर से ला के इंजेक्शन दिया, तब वो इंजेक्शन लगाया। उसके बाद फिर हम घर ले गए सुबह 9 बजे, फिर ऐसा से ट्रीटमेंट चालू कराया। तो बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी पैसे से इंजेक्शन खरीदना पड़ा आपने? ESI में जी? नहीं, ESI में पैसे से नहीं खरीदा। एक बार उन्होंने भी मना किया था, लेकिन कंपनी वालों के उससे जब उन्होंने दबिश दी आप लिख के दो, तो उन्होंने वो सब ट्रीटमेंट चालू किया। पलवल अस्पताल में, यहाँ सिविल अस्पताल में जब आप लेके आए, तो डॉक्टरों से आपकी बातचीत हुई? हाँ जी। तो आपने उनसे कहा नहीं कि यहाँ हमें इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाए? हाँ, हमने बोला था, लेकिन उन्होंने बोला फिलहाल हमारे पास है नहीं। तो ऐसे में तो कोई अगर इमरजेंसी मरीज आता है तो उसके लिए तो घातक सिद्ध हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। जब हमें तो कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला तो औरों के लिए भी हो सकता है।